हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गॉसिप विद गरिमा। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी और एक बार फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस मेरे नए वीडियो में आप क्या कुछ देख सकेंगे और क्या जानकारी मैं आपको इस नए वीडियो में देने वाली हूं। दरअसल एंकर जो न्यूज पढ़ता है वो टीपी से देखकर पढ़ता है। अब ये टीपी कौन सी बला है ये आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, टीपी यानी कि टेलीप्रॉम्प्टर। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। मेरे साथ में मेरे कैमरामैन सतेंद्र यहां पर मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरह से टीपी होता है और किस तरह से इसको बनाया जाता है, एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है, मैं वो जानने की कोशिश करूंगी। तो सतेंद्र सर, आप मुझे ये बताइए कि किस तरह से इस टीपी को सेट किया गया है। मैं अपने कैमरे के पीछे जो मेरे कैमरामैन है नरेंद्र, उनसे चाहूंगी कि वो टीपी को फोकस करें और जो हमारे दर्शक हैं वो जान पाए कि आखिर वर्किंग होती कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसे क्या कहते हैं ये? जी गरिमा जी, ये जो है एक्चुअली क्या है कि इसको बोलते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। ये फॉन्ट इसमें जो है डिस्प्ले होता है और इस डिस्प्ले के रिफ्लेक्ट को होकर के ये इसके अंदर ग्लास लगा हुआ है जी। ग्लास के अंदर इसका फॉन्ट बेसिकली प्रॉपर दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन के थ्रू मतलब हम इमेज देख पाते हैं, जो फ्रंट से देख पाते हैं और इसको देख कर रीड किया जाता है जी। और इसको जो ये कपड़े से कवर अप किया गया है, ये बेसिकली अदर लाइट इसके अंदर ना पड़े इसलिए इसको जो है कवर अप किया तो गया है। तो जो बाकी की लाइटें हैं उनसे बचाने के लिए इसको कवर किया गया है। और तो क्लियरिटी नजर आए, आप देखिए कि ये जो मॉनिटर है इसमें ये आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन नरेंद्र से कहूंगी कि साफ तौर पर दिखाएं ताकि मेरे दर्शक समझ पाए। ये देखिए यहाँ पर इसमें कुछ लिखा हुआ है। तो ये जो टीपी है ये हमारा पीसीआर डिपार्टमेंट जो होता है टेक्निकल, मैंने आपको बताया था, वो इसमें अपलोड करता है कंप्यूटर के थ्रू। अब इसमें अपलोड हो गई, ये आप देख सकते हैं मिरर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक मिरर है, शीशा पूरा ऐसे लगा हुआ है तिरछा, और इसी मिरर में इसका रिफ्लेक्शन आता है जो कि पीछे इसके पीछे दिखता है। तो इसी वजह से ये टीपी हमें सामने से दिख पाती है और एंकर सामने से इस तरह से इसको पढ़ पाता है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड सचिवालय की 7 सदस्यीय टीम ये खबर लिखी हुई है। हमारे पास टीपी का रिमोट होता है, हम खुद उसे चलाते हैं और ऑपरेट करते हैं और ये ऊपर बढ़ता जाता है और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता है हम उसे उस तरह से पढ़ते हैं। तो इस तरह से टीपी की वर्किंग होती है। और साथ ही आपने देखा सतेंद्र सर ने हमें बताया कि इसको कवर करके रखते हैं ये दोनों तरफ से, ताकि जो एक्स्ट्रा लाइट्स है हमारे स्टूडियो में वो कैमरे में ना जाए और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो सके। मैं चाहूंगी कि हमारे कैमरामैन नरेंद्र है वो पीछे चले और दिखाएं कि जो काला कपड़ा हम टीवी में लगाते हैं वो आखिर क्यों लगाते हैं। ये देखिए अब पीछे कैमरे के पीछे आपको काला कपड़ा भी देखने को मिलेगा। ये जो कपड़ा होता है ये क्यों लगाता है? मैं सत्येंद्र सर से कहूंगी कि आप बताइए इसे क्यों लगाया जाता जी, है ये इसलिए कि बाहर की लाइट्स इसके अंदर ना जाए और फॉन्ट अच्छे से प्रॉपर दिखे और उसको रीड किया जाए। बिल्कुल। तो दर्शकों आपने देखा कि किस तरह से टीपी वर्क करती है और साथ ही टीपी के साथ सामने ये एक टीवी भी लगा होता है। चलिए आपको ये टीवी दिखाते हैं, ये टीवी आखिर होता क्यों है? नरेंद्र मैं चाहूंगी कि आप ये टीवी फोकस करें। ये टीवी इसलिए होता है कि कई बार जब हम टीवी पर ऑन एयर आ जाते हैं तब हम देख सके कि हम कैसे लग रहे हैं और टीवी पर जो न्यूज चलती है वो क्या चल रही है। अब जैसे हमने ये खबर पढ़ना शुरू किया तो हमने ये खबर दो लाइन मैक्सिमम हम इसमें दो लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कट जाते हैं, एंकर स्क्रीन से हट जाता है और उसी खबर से जुड़ा हुआ विजुअल टीवी पर चलने लगता है। तो वो जो विजुअल है वो हम यहीं पर देखते हैं और उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं।